नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। गुजरात में बीजेपी के चुनाव अभियान की कमान अब पीएम मोदी ने संभाल ली है। रविवार को पीएम मोदी ने जोरदार प्रचार अभियान चलाया। उन्होंने एक दिन में 4 रैलियों को संबोधित किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय कमलब में पार्टी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों के साथ समय बिताया है। पीएम मोदी ने अचानक पार्टी ऑफिस आने और उनको सामने बैठा देख कार्यकर्ता बेहद चकित थे। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं के साथ किसी कमरे में समय नहीं बिताया, बल्कि खुले क्षेत्र को चुना और यहां वो सामने कुर्सी पर बैठ गए और बीजेपी कार्यकर्ताओं बेंच के उनके आसपास बैठ गए। और हालांकि रात थी तो लोग कम ही थे, लेकिन इसलिए इस दौरान ही रात पार्टी कार्यालय में काम कर रहे चंद लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्टी कार्यालय में मौजूद सभी लोगों को बुलाया जाए। इसके बाद सभी को बुला लिया गया था और उन्होंने सभी से बातें की हैं। वहीं सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने सभी मौजूद कार्यकर्ताओं से हालचाल पूछा है और उनके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत भी की है। वहीं पीएम मोदी को छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने के लिए जाना जाता है। आपको बताते चले कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी पूछा कि क्या उनके खाने की व्यवस्था ठीक से हो रही है, और क्योंकि ज्यादातर पार्टी मुख्यालय में काम करने वाले लोग देर रात तक काम करते हैं और कुछ युवा कार्यकर्ता लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए थे और वास्तव में ये देखकर प्रभावित हुए कि प्रधानमंत्री ने पार्टी के अधिकांश पुराने कार्यकर्ताओं को उनके नाम से संबोधित किया और यहां तक कि उनके साथ मजाक भी किया। साथ ही उन्होंने सालों पहले की यादों को ताजा भी किया। वहीं आपको बताते चले कि पुरुष कार्यकर्ताओं के अलावा वहां महिला कार्यकर्ता भी मौजूद थी और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ भी बातचीत की है। और वहीं पीएम के ऐसे शालीन व्यवहार से महिला कार्यकर्ता भावुक हो गई और पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ता और में ही 40 मिनट से ज़्यादा का जो समय था वो बिताया है। और जहाँ उनके साथ गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, गुजरात राज्य मंत्री हर्ष सांघवी और पार्टी महासचिव प्रदीप सिंह वाघेला सहित अन्य लोग मौजूद थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी गुजरात में हैं और रविवार को उन्होंने वेरावल, धोरारजी, अमरेली और इसके साथ ही बोटाड में रैलियों को संबोधित किया था। तो आपको बता दें कि पार्टी ऑफिस पहुंचकर पीएम मोदी ने सभी को चौंका दिया। वहां पर जितने कार्यकर्ता थे वो सभी हैरान हो गए और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने उनसे खाने के लिए भी पूछा, जिसके बाद लोग काफी भावुक नजर आए। और इसी खबर पर हमारे साथ दानिश वारसी जुड़ चुके हैं। दानिश वारसी, जिस तरह से खबर सामने आई है कि पीएम मोदी कार्यकर्ता के बीच में पहुंचे और जहां पर कार्यकर्ता जो है काफी खुश नजर आए। बिल्कुल, देखिए अचानक पहुंचना और अचानक पहुंच कर तोहफा देना, ये बहुत ही बड़ा मन में कह सकता है झटका होता है, और ये झटका जब खुशी में तब्दील हो जाए तो कुछ ज्यादा ही मजा आता है। इस पे जैसे कि कार्यकर्ता है उनके पीएम ऑफिस के या उनके जो पार्टी के लोग हैं, अचानक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका स्वागत तो हर कदम कलम पे होता है, लेकिन गुजरात अचानक पहुंच जाना और उनके कार्यकर्ताओं से मिलना और फिर उनका नाम लेकर के उनसे मिलना, उनसे बातें करना, उनका हालचाल जाना, देखिए ये वो पल है जिसके लिए लोग भावुक हो जाते हैं, ये वो पल है जिसके लिए लोग इंतजार करते हैं। और खुद देश के प्रधानमंत्री अगर एक एक कार्यकर्ताओं का नाम ले करके उनसे उनका हालचाल पूछेंगे, उनके बारे में पूछेंगे, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का स्वागत एक एक कार्यकर्ता करता है, अगर कार्यकर्ताओं का स्वागत खुद प्रधानमंत्री करेंगे तो ये बहुत ही मतलब लगता है कि जिसे इसे कहते हैं कि एक इमोशनल पॉलिटिक्स, और जिसको कहते हैं ये बहुत ही अच्छा प्रधानमंत्री के लिए मैं कहता हूँ प्रयास रहा है। वो गुजरात, उनका पुराना नाता रहा है, गुजरात से वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं और गुजरात में इस समय चुनाव भी है। जाहिर सी बात है कि पायल ब्रांड नेता जो हिंदू हृदय सम्राट है योगी आदित्यनाथ, वो वहां पहुंचे हुए थे, उनके मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, DYCM पहुंचे हुए थे, तो इसको लेकर के ये एक मामला गुजरात चुनाव में फोकस पूरा भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का अचानक पहुंच जाना और कार्यकर्ताओं से मिलना, उनका नाम लेकर के उनका स्वागत करना, उनके बारे में हालचाल लेना, ये मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की एक अच्छी रणनीति है और ये बताने के लिए एक मैसेज दिया गया है कि ऐसा नहीं कि कोई कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री जानते नहीं है। जाहिर सी बात है एक एक कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी उनके नाम से जानते हैं, यानी उनके मन में उनकी नजरों में वो लोग रहते हैं जो कार्यकर्ता या जो नेता
भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश की सेवा के साथ साथ प्रधानमंत्री के कर्मों को, जो प्रधानमंत्री के योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है, उसकी नजर में, प्रधानमंत्री की नजरों में वो सारे कार्यकर्ता रहते हैं। और अचानक वो भावुक भी हो गए थे, जिस तरीके से कार्यकर्ता वहां भावुक हुए, मुझे लगता है गुजरात के अंदर ज्यादातर इस चीज को लेकर के लोग भावुक हो गए हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री लगातार फोकस कर रहे हैं और अचानक पहुंच गए हैं। इससे लगता है गुजरात का चुनाव बेहद दिलचस्प है और इससे भाजपा को अच्छा फीडबैक मिलेगा। ये फीडबैक इसलिए मिलेगा क्योंकि प्रधानमंत्री का अचानक पहुंचना है। कभी ऐसा होता है कि राज्य को देश के वीवीआईपी होते हैं, गवर्नर हो या सीएम हो या प्रधानमंत्री, उनके लिए पूरी पूरी फीडबैक ली जाती है 3 दिन पहले की, लेकिन अचानक पहुंचना कार्यकर्ताओं को ये इसलिए दिला रहा है कि प्रधानमंत्री उनके हैं और गुजरात भी उन्हीं का है। जी बिल्कुल दानिश, जिस तरह से प्रधानमंत्री का एक एक मिनट कीमती माना जाता है और पीएम मोदी जब वहां पर पहुंचे तो कार्यालय में ही 40 मिनट से ज्यादा उन्होंने समय बिताया है, तो इसको किस नजर से देखते हैं आप? वैसे तो एक एक मिनट कब कीमती है उनका, देश के प्रधानमंत्री का, लेकिन 40 मिनट में उन कार्यकर्ताओं का दिल जीता है। 40 मिनट में अगर उन्होंने 40 कार्यकर्ताओं का दिल जीता होगा तो वो 40 करोड़ के बराबर हो सकता है। और गुजरात में कितनी जनसंख्या है ये तो सभी को मालूम है, लेकिन गुजरात चुनाव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का पहुंचा, मोदी देखिए सफल नेता है और सफल नेता इस बात पर भी है कि उनके नाम से संसद चुने जाते हैं, ना कि संसद से प्रधानमंत्री चुनता है। भारत में अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी जब आई थी तो उसको एक मोदी को एक ब्रांड माना गया, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी एक ब्रांड है, अगर उनके नाम पे वोट लिया जाए तो संसद बन जाते हैं। अक्सर देखने में आता था कि संसद प्रधानमंत्री को चुनते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री खुद संसद को चुनवा देते हैं और उनके नाम से संसद सदस्य बन जाते हैं, यानी जीत तय हो जाती है। तो गुजरात में जिस तरीके का अचानक वो पहुंचे हैं, पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं का दिल जीता है, अब गुजरात की जनता का वो दिल जीतेंगे। और गुजरात का चुनाव है वो इमोशनली हो गया है, इमोशनली के साथ साथ एक ये भी फीडबैक मिल गया है कि प्रधानमंत्री खुद गुजरात में आए हैं, यानी कि गुजरात चुनाव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ये बताने के लिए मैसेज दिया गया है कि गुजरात की जनता इस चीज को समझे कि खुद देश के प्रधानमंत्री गुजरात चुनाव में आए हैं और आपको इस बार फिर उसमें गुजरात का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से देना है। जी जी दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों पर नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। आज कई दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी और उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करते दिखेंगे और गुजरात की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ फिर से सत्ता में काबिज होने के लिए जोर लगा रही है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी सियासी दलों ने ही गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 21 नवंबर को तीनों ही दलों के बड़े नेता चुनावी सभाएं करेंगे और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी 3 रैलियों करेंगे और वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगर बात कर ले तो राहुल गांधी भी कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए साफ तौर पर नजर आएंगे। और इसके अलावा आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गुजरात में रोड शो कर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और पीएम मोदी एक बार फिर से ही गुजरात में चुनाव अभियान पर निकलने वाले हैं। आपको बता दें कि जानकारी ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी की 3 रैलियों को संबोधित किया जाएगा और पीएम मोदी की पहली रैली सुरेंद्र नगर से सुबह 11 बजे शुरू होगी और इसके बाद ही पीएम मोदी 2 बजे जम्बूसर और शाम को 4 बजे नवसारी में जो चुनावी सभा है वो करेंगे। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात में 34 जनसभाएं की थी और बताया ये भी जा रहा है कि इस बार उनकी 25 चुनावी जो है वो सभाएं होंगी। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी गुजरात चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और इसके साथ ही पुरुषोत्तम रूपाला, गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल भी गुजरात में पार्टी के चुनाव प्रचार करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के ही सांसद राहुल गांधी हाल ही में संपन्न हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के से दूर रहे हैं, लेकिन गुजरात के चुनावी रण में सोमवार उनकी एंट्री होने जा रही है और गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से वो पहली बार गुजरात पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी सौराष्ट्र के राजकोट और सूरत के ही महूदा में चुनावी जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे।
तो आपको बता दें कि सभी पार्टियां जोर शोर से राजनीति के चुनावी सभाओं में अब शामिल होने जा रही हैं। आपको बता दें चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों, यूपी के मुख्यमंत्री, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री, सभी पार्टियां गुजरात पर जोर देती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। और गुजरात की सत्ता किसके हाथ में होगी ये जनता ही तय करेगी, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियाँ प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई हैं। आपको बताते चलें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों पर नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आज कई दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी के ही उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। गुजरात के सत्तारूढ़ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जहाँ पर एक तरफ फिर से सत्ता में काबिज होने के लिए जोर लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और सभी सियासी दलों ने गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 21 नवंबर की तीनों ही दलों के बड़े नेता चुनावी सभाएं करने वाले हैं। और बीजेपी उम्मीदवारों की अगर बात कर ले तो प्रधानमंत्री मोदी 3 रैलियां करने वाले हैं, वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए साफ तौर पर नजर आएंगे। और इसके अलावा आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गुजरात में रोड शो कर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए साफ तौर पर दिखाई देंगे। पीएम मोदी एक बार फिर से ही गुजरात में चुनाव अभियान पर निकलने वाले हैं। आपको बताते चले कि जानकारी ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी 3 रैलियों को संबोधित करेंगे और पीएम मोदी की पहली रैली सुरेंद्र नगर से सुबह 11 बजे शुरू होगी और इसके बाद ही पीएम मोदी 2 बजे जम्बूसर और शाम को 4 बजे नवसारी में चुनावी जो सभा है वो करेंगे। और पीएम मोदी के पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात में ही 34 जनसभाएं की थी। बताया जा रहा है कि इस बार उनकी 25 चुनावी सभाएं होंगी। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के कई दिग्गज जो नेता हैं वो भी गुजरात चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और इसके साथ ही पुरुषोत्तम रूपाला, गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल भी गुजरात में ही पार्टी के चुनाव प्रचार करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए अगर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बात करें तो हाल ही में संपन्न हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार से दूर रहे हैं, लेकिन गुजरात के चुनावी रण में सोमवार को उनकी एंट्री जो है वो होने वाली है। आपको बता दें कि गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद वो पहली बार गुजरात पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी सौराष्ट्र के राजकोट और सूरत के महुदा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये समझना चाहिए कि सत्ता स्थायी नहीं है और वो आती जाती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मोदी जी को समझना चाहिए कि सत्ता की पावर तो आती और जाती रहती है। इंदिरा गांधी की सत्ता भी चली गई जबकि लोग कहते थे कि उन्हें कोई नहीं हटा सकता, एक दिन आप भी चले जाएंगे, इसलिए हालात इतने भी न बिगाड़े कि जिसे सुधारा नहीं जा सके। मलिक रविवार को जयपुर में राजस्थान के विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी कि RUSU के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कह दिया कि देश में कई तरह की लड़ाई शुरू होने वाली है और किसान फिर से आंदोलन करेंगे तो नौजवान भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सैनिकों की भर्ती के लिए भी उन्होंने चलाई जा रही अग्निपथ योजना को लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इससे सेना कमजोर हो सकती है और केवल 3 साल की सेवा देने के दौरान ही जवानों में बलिदान का जज्बा नहीं रह जाएगा। अग्निपथ योजना पर उन्होंने कहा कि जवान में जो कुर्बानी देने का जज्बा होता था वो 3 साल की ड्यूटी के लिए नहीं आएगा। सत्यपाल मलिक ने यह भी कह दिया, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जहां तक उन्हें पता चला है कि अग्निवीर सैनिकों को भरबोस सहित अन्य मिसाइलों और हथियारों को छूने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए उनका मानना है कि अग्निरथ योजना सेना को भी बर्बाद कर रही है। तो आपको बता दें कि साफ तौर पर बयान सामने आया है सत्यपाल का, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कह दिया कि जब सत्ता इंदिरा गांधी की चली गई तो पीएम मोदी की भी चली जाएगी। आपको बताते चले कि बड़ा बयान सत्यपाल मलिक ने दिया है, उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और इसके साथ ही उन्होंने
सैनिकों की भर्ती को लेकर भी बयान दे दिया है। और इतना ही नहीं, मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं जिन्होंने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये समझ लेना चाहिए कि सत्ता स्थायी नहीं है और वो आती और जाती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है और मोदी जी को समझना चाहिए। उन्होंने ऐसा भी कह दिया कि पीएम मोदी को समझना चाहिए कि सत्ता की पावर तो आती और जाती रहती है। इंदिरा गांधी की सत्ता भी चली गई जबकि लोग कहते थे कि उन्हें कोई नहीं हटा सकता, एक दिन आप भी चले जाएंगे और इसलिए हालात इतने भी न बिगाड़े जिसे सुधारा नहीं जा सके। मलिक रविवार को जयपुर में ही राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि देश में कई तरह की लड़ाई शुरू होने वाली है, किसान फिर से आंदोलन करेंगे तो नौजवान भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। इसके साथ ही सैनिकों की भर्ती के लिए भी चलाई जा रही अग्निपथ योजना को लेकर भी केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि इससे सेना कमजोर हो सकती है और केवल 3 साल की सेवा देने के दौरान नौजवानों में बलिदान का जज्बा नहीं रह जाएगा। अग्निपथ योजना पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जवान में जो कुर्बानी देने का जज्बा होता है वो 3 साल की ड्यूटी के लिए नहीं आएगा। सत्यपाल मलिक ने आगे ये भी कहा कि जहाँ तक उन्हें सत्ता की बात उन्होंने कहते हुए कहा कि पता चला है कि अग्निवीर सैनिकों को ब्रह्मोस सहित अन्य मिसाइलों और हथियारों को छूने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसलिए उनका मानना है कि अग्निपथ योजना सेना को भी बर्बाद कर रही है। अगले वित्त वर्ष के बजट यानी कि 2023 और 2024 के लिए तैयारियां शुरू हो रही हैं और इसी के तहत आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पूर्व बैठकें शुरू करेंगी और सबसे पहले वित्त मंत्री उद्योग जगत के जानकारों और इसके साथ ही इंडस्ट्री के साथ जलवायु परिवर्तन क्षेत्र के एक्सपर्ट से मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्रालय की ओर से एक ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि ये बैठकें वर्चुअल तरीके से होंगी और इनमें हितधारक 2023 और 2024 के बजट के लिए सुझाव देंगे। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2023 का बजट पूर्व विचार विमर्श सबसे पहले उद्योग जगत के अगुवाओं और उसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ 2 समूह में करेंगी और इसका आयोजन जो रहेगा वो 21 नवंबर 2022 को होगा। जानकारी के अनुसार 4 दिनों तक वित्त मंत्री की अलग अलग क्षेत्रों के जानकारों के साथ कुल 7 बैठकें होंगी और जिसके तहत वित्त मंत्री 22 नवंबर यानी कि मंगलवार को कृषि और कृषि प्रसंस्करण उद्योग के लोगों, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। आपको बता दें कि बुधवार 24 नवंबर को वो सर्विस सेक्टर और इसके साथ ही व्यापार संस्थानों के ही प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और साफ सफाई समेत सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बैठकें करेंगी और निर्मला सीतारमण व्यापार संघों के प्रतिनिधियों और अर्थशास्त्रियों के साथ 28 नवंबर को बजट पूर्व बैठक करेंगी। तो आपको बता दें निर्मला सीतारमण बैठक करेंगी बजट को लेकर और वित्त मंत्री अब प्री बजट बैठक जो है वो शुरू करने वाली हैं। आपको बताते चलें कि वित्त मंत्री बजट को लेकर प्री बैठक जो रहेगी वो शुरू करेंगी और बजट को लेकर ही सबसे पहले वित्त मंत्री उद्योग जगत के जानकारों और इसके साथ ही इंडस्ट्री के साथ जलवायु परिवर्तन क्षेत्र के एक्सपर्ट्स से मुलाकात भी करेंगी, उनसे जानने की भी कोशिश करेंगी। और वित्त मंत्रालय की ओर से एक ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है, ये ट्वीट कल किया गया था और ये बैठकें जो होंगे वो वर्चुअल तरीके से ही होंगे। इनमें हितधारक जो रहेंगे 2023 और 2024 के बजट के लिए सुझाव देंगे और वित्त मंत्रालय ने ये भी ट्वीट किया था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2023 का बजट पूर्व विचार विमर्श सबसे पहले उद्योग जगत के अगुवाओं और इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ 2 समूह में करेंगे और इसका आयोजन जो रहेगा वो 21 नवंबर 2022 को होगा। जानकारी के अनुसार 4 दिनों तक वित्त मंत्री की अलग अलग क्षेत्रों के जानकारों के साथ कुल 7 बैठकें होंगी और इसके तहत ही वित्त मंत्री 22 नवंबर यानी कि मंगलवार को कृषि और कृषि उद्योगों के लोगों के वित्तीय ही क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगी और बुधवार 24 नवंबर को वो सर्विस सेक्टर और व्यापार संस्थापों और इसके साथ ही प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और साफ सफाई समेत सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगी। निर्मला सीतारमण व्यापार संघों के प्रतिनिधियों और अर्थशास्त्रियों के साथ भी 28 नवंबर को बजट पूर्व बैठक करेंगे।
पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी है और आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज और भी बदलने वाला है। तापमान में बड़ी तेजी के साथ गिरावट होने वाली है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 4 से 5 दिन में जो मौसम में है बदलाव होने वाला है और तापमान 3 डिग्री तक नीचे गिर जाएगा। इससे सर्दी और ठिठुरन जो है वो बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बताया जा रहा है कि दिल्ली NCR में तापमान में पारा गिरकर 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है और पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के कारण सर्दीली हवाएं और अब मैदानी इलाकों की ओर बहने लगी है। दिल्ली NCR के अलावा पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है और राजस्थान में रात का तापमान 7.2 डिग्री तक पहुंच गया है। अगर चूरू की बात करें तो चूरू का तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे के यहां तापमान में 1.1 डिग्री की कमी आई है और मैदानी इलाकों में अब सुबह के वक्त धुंध और कोहरा भी दिखाई देने लगा है। तापमान में आई कमी की वजह से सुबह शाम के वक्त ठिठुरन महसूस होने लगी है और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और पारा जो है वो गिरने से तापमान तेजी से नीचे जा रहा है। मौसम विभाग ने लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित सभी पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के साथ बारिश होने की संभावना भी जताई है। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और ठिठुरन के साथ अब ठंड बढ़ेगी जिससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। बताते चले कि सुबह और शाम की ठिठुरन अब बढ़ने वाली है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में जो सर्दी ने दस्तक दी है उससे ये जो ठिठुरन है वो बढ़ गई है और आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज और भी ज़्यादा बदलने वाला है। तापमान की बात करें अगर तो तापमान में बड़ी तेजी के साथ गिरावट होने वाली है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 4 से 5 दिन में मौसम में बदलाव होगा और तापमान 3 डिग्री तक नीचे गिर जाएगा। इससे सर्दी की ठिठुरन जो है वो भी बढ़ सकती है और मौसम विभाग ने ये भी अलर्ट जारी कर दिया है कि दिल्ली NCR में तापमान में पारा गिरकर 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है और पर्वतीय इलाकों में अगर बात करें तो पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के कारण सर्दीली हवाएं और मैदानी इलाकों की ओर बहने लगी है। दिल्ली NCR के अलावा पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। राजस्थान में रात का तापमान 7.2 डिग्री तक पहुँच गया है। चूरू का तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है और पिछले 24 घंटे में यहाँ के तापमान में 1.1 डिग्री की कमी आई है। मैदानी इलाकों में अब सुबह के वक्त धुंध और कोहरा भी दिखाई देने लगा है। तापमान में आई कमी की वजह से सुबह और शाम को ही ठिठुरन महसूस होने लगी है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और पाला गिरने से तापमान तेजी से नीचे जा रहा है। मौसम विभाग ने लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित सभी पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के साथ बारिश होने की भी संभावना जता दी है। आपको बता दें कि बारिश होने के बाद जो मौसम विभाग है उन्होंने ठंड का जो अलर्ट है वो भी जारी कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बारिश होने के बाद ठंड और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आपको बताते चले कि कई राज्यों में सुबह शाम ठंड हो रही है लेकिन कई राज्यों में ठंड के कारण लोगों में ठिठुरन देखी जा रही है और इसके साथ ही लोग आग का भी सहारा लेने लगे हैं। आपको बताते चले कि पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ भी ठंड बढ़ चुकी है और कई राज्यों में ठंड का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं दिल्ली NCR में भी अब ठंड बढ़ सकती है जिससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।